आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश, वो भी घर पे। तो ये बच्चों के लिए और बड़ों के इम्यूनिटी बूस्ट के लिए तो रामबाण है, और बच्चों के लिए खास करके मैंने इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाली हैं ब्रेन पावर के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। तो आप इसको ज़रूर घर पे बनाइए, क्योंकि ये बहुत जो है फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए और बड़े के लिए। 5 साल के ऊपर के बच्चे इसको खा सकते हैं। तो चलिए आज इस रेसिपी को हम बनाते हैं और शेयर करते हैं। तो च्यवनप्राश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पीपली लिया है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, काली मिर्च लिया है, इलायची, लौंग और ये है खजूर। ये मैंने जड़ी बूटी में मैंने ये लिया है अश्वगंधा, और मैंने ये लिया है सतावर, और ये मेरे पास है कुछ शंख पुष्पी के पाउडर जो याददाश्त को बहुत मजबूत करते हैं। ये रामबाण है, ये आप जरूर जो है इसको डालना च्यवनप्राश में। च्यवनप्राश में कोई डालता नहीं है, लेकिन मैं इस जड़ी बूटी को जरूर डालने वाली हूँ। याददाश्त बहुत मजबूत होता है, बच्चों के लिए बहुत सही होता है। तो मैंने लिया है केसर, ये ड्राई फ्रूट में मैंने ये बादाम लिया है, अखरोट लिया है, और ये लिया है किशमिश, और 1 किलो आंवला के लिए 1 किलो गुड़ ले लिया है। यहाँ पे मैंने कच्ची हल्दी ले लिया है और अदरक ले लिया है। तो बस इतने सारे सामानों को मुझे बनाना है बढ़िया सा च्यवनप्राश। तो चलिए इस रेमेडी को बनाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है मसाले को पीस लेंगे। तो मसाले में सफ़ेद काली मिर्च, ब्लैक काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, इलायची, तेज पत्ता और पीपर, ये सब मैं जो है एक मिक्सर जार में सबसे पहले मैं इसको सूखा सूखा पीस लूँगी, और पीसने के बाद इसको हम छान लेंगे। तो सारे मसाले को मैंने जो है छन्नी से छान लिया है, क्योंकि इसके जो बड़े कड़ है ना वो च्यवनप्राश में अच्छा नहीं लगेगा, वो दांतों के नीचे दबेगा, तो इसलिए मैंने इसके जो बड़े कड़ थे वो निकाल दिए हैं। अलग से इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो ये मेरे सारे मसाले डन हो गए हैं, और चलिए अब आंवला चेक कर लेते हैं। तो आंवला को मैंने जो है 2 से 3 सीटी लगा दिया था उबलने के लिए, और इसका जो बीज है वो हम बीज निकाल के इसको अलग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब आंवला लिया है, 1 किलो के हिसाब से मैंने वही उसी क्वांटिटी में मैंने सारा सामान लिया है। तो बस देखिए मैंने सारे इसके बीज निकाल दिए हैं, इसको हमें कर लेना है ग्राइंड। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने जो आधा किलो वो लिए थे बादाम, तो मैंने उसमें से कुछ बादाम निकाल दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था, और 200 ग्राम के करीब अखरोट था तो अखरोट मैंने सारा ले लिया। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने बस यही बादाम, अखरोट और किशमिश का इस्तेमाल किया, क्योंकि काजू जो है वो फैट जमाता है, तो मैंने काजू इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देखिए मैंने इसका बढ़िया सा पाउडर बना लिया है बादाम और अखरोट का। इसके बाद इसमें हम लास्ट में पीसेंगे कच्ची हल्दी, मैंने लिया है 1 गांठ, और 1 बड़ा टुकड़ा मैंने जो अदरक का लिया था 2-3 पीस करके। इसके बाद इसमें हम खजूर डाल देंगे, इसके सारे जो है वो बीज निकाल दिए हैं। और हाँ, एक लास्ट में मैंने भूल गया आप लोगों को बताना, इसमें मैंने काली वाली जो तुलसी का पत्ता होता है वो मैंने 1 कटोरी के करीब लिया था, और बस इसको सारा जो है मैंने मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है। अब लास्ट में बारी आती है आंवले की, तो आंवले को भी मुझे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लेना है, क्योंकि ये बिना पानी डाले पीसेगा नहीं, ये ठीक हो जाता है ना, तो फिर मिक्सी चलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे बड़ी कढ़ाई थी मैंने वो ले लिया है, और इससे बड़ी मेरे पास कोई कढ़ाई नहीं है, इससे छोटी है, तो मैं इस पीतल के कढ़ाई में बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने जो है डेढ़ कप के करीब मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, ये मतलब गाय और भैंस का मिक्स घी है। अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसके बाद आंवले का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको हमें अच्छे से भून लेना है। च्यवनप्राश ज़्यादा दिन तक तभी चलता है जब हम जो है आंवले का जो पानी होता है अच्छे से सुखा दे, अच्छे से आंवले को भून दे। तो देखिए मैंने घी में जो है आंवले को अच्छे से भून दिया है, और इसका पानी अच्छे से सूख गया है। तब इसमें हम लास्ट में जो है मैंने गुड़ डाला है, गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आप चाहे गुड़ डाल दीजिए या फिर जैगरी पाउडर आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, चीनी बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि चीनी जो है सेहत के लिए बहुत हानि होती है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक गुड़ डाल दिया है। अब इसको हाई फ्लेम पे इसको हम मेल्ट होने देते हैं। जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक हम दूसरी सामग्री इसमें नहीं डालेंगे। तो देखिए धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है गुड़। अब इसके बाद जो मैंने खजूर, हल्दी और अदरक का पेस्ट बनाया था, तुलसी, ये सब, हाँ मैंने इसमें वो भी डाला है, किशमिश भी डाल के पीस लिया था, तो ये सब का पेस्ट जो है मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमें हाई फ्लेम पे इसको खूब चलाना है, इसको लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा। और इसके बाद जो मैंने मसाले बनाए थे मसाले डाल देना है, और इसके बाद ये जो अखरोट और बादाम का जो पाउडर बनाए थे वो हमने डाल देना है। और कढ़ाई आप देख सकते हैं मेरी एकदम फुल हो गई है, तो मैंने कुछ अखरोट और बादाम के जो पाउडर है वो मैंने अलग रख लिया, क्योंकि इसमें अब अटेगा ही नहीं, कढ़ाई ही इतनी बड़ी है, इससे बड़ी और कोई कढ़ाई भी नहीं है। तो मैंने जितना इसमें डालना था मैंने डाल दिया है, और इसको मैंने कंटिन्यू इसको चलाया है, इसको लगातार चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा, तो फिर उसका जो स्मेल है, स्वाद है, अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने इसको हाई फ्लेम पे जो है करके इसको खूब मैंने पकाया है, मीडियम टू हाई फ्लेम, हाई टू मीडियम फ्लेम पे लगातार ऐसे मैंने इसको पकाया है। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे शंख पुष्पी का पाउडर डाला है। शंख पुष्पी का पाउडर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है एक चम्मच भर के सतावर लिया था, और 2 चम्मच के करीब इसमें हम जो है शंख पुष्पी क्या बोलते हैं अश्वगंधा लिया था 2 चम्मच के करीब। और ये जड़ी बूटी ज़्यादा कड़वा नहीं होता है, वैसे भी आप जैसे मीठे में बना रहे हो ना तो ये कड़वा ज़्यादा नहीं होगा, और बच्चों के लिए तो ये रामबाण है, शंख पुष्पी, सतावर और अश्वगंधा जड़ी बूटी। आप इसमें और भी जड़ी बूटियाँ डाल सकते हो, हर्रा बहर्रा भी डालता है, लेकिन मैंने बस जितना मुझे बनाना था मैंने उसी हिसाब से बनाया, क्योंकि बच्चों को खाना था। तो देखिए मैंने इसको कंटिन्यू चलाते चलाते ये देखिए एकदम च्यवनप्राश वाले एकदम कलर में आ गया है, और पानी भी अच्छे से सूख गया है, तो ये देखिए बढ़िया मेरा बढ़िया फर्स्ट क्लास च्यवनप्राश बन के रेडी। तो गाइस मेरा ये च्यवनप्राश बन के रेडी हो गया है, ये देखिए अभी ये ठंडा हो रहा है, तो मैं इसको पीतल की कढ़ाई से जो है हटा दूंगी, क्योंकि पीतल की कढ़ाई में जब सामान कोई भी सामग्री बनाओ ना वो ठंडा होता है, तो फिर उसमें पीतल छोड़ने लगता है, तो उसका जो महक होती है, उसकी जो खुशबू, उसका स्मेल जो होता है बहुत गंदा लगता है। तो इसको वैसे भी ये खट्टा है, पीतल की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक छोड़ के नहीं रखना चाहिए। तो मैं इसको एक बर्तन में निकालूंगी ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगा तो इसको एक कंटेनर में भर के रख दूंगी। तो ये देखिए मेरा झटपट च्यवनप्राश बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।